तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव है आईपीस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, और जो आईपीस होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होता है। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो टेलीस्कोप है वो तो दूर की ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव ऑन दिस इज द आईपीस, ये आईपीस वाली लेंस है। तो अगर तुम देखोगे ये जो दोनों लेंस है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और आईपीस, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो लेंस है तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली यहाँ से 200 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो अगर 200 सेंटीमीटर पे यहाँ से रखा हुआ है तो जो इसके इसके लिए मैं जो यू आ जाएगा वो माइनस 200 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 200 सेंटीमीटर ये वाला आ जाएगा। और ये इसका जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का वो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ वो प्लस 40 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं यहाँ ये कहाँ पे इमेज बना रहा है, तो भी कहाँ होगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इस पे लगा देते हैं। तो 1/v माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/200 और इज इक्वल टू यहाँ से 1/40। तो 1/v यहाँ से आ गया 1/40 माइनस 1/200। तो इसका मतलब ये हुआ इसको 200 करने के लिए एक काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 4/200, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/ सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस आएगा, प्लस 1/50। तो जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस 50 सेंटीमीटर। तो प्लस 50 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे कहीं पे यहाँ से जो लाइट आएगी तो ये प्लस 50 सेंटीमीटर पे कहीं पे इमेज बनाएगी ये वाली, दिस इज़ द वी। एंड अगर फाइनल जो इमेज है, फाइनल नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी को बनती है, ठीक ना, ये इन्फिनिटी को बनती है। तो वो ये वाली जो है दैट इज़ एफ ई होता है, ऑब्जेक्टिव होता है आईपीएस का। इधर से हम आंखें रखे हैं और देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ऐसा लगेगा इन्फिनिटी को ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो एल है, ठीक है ना, वो एफ ई प्लस बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से 50 प्लस यहाँ से 4, दैट इज़ यहाँ से 54 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन नॉर्मल एडजस्टमेंट जो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटी पे नई इमेज बने, ठीक है ना। तो अभी जो है 54 सेंटीमीटर सही है इसका।